हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने बाइक की माइलेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं माइलेज सेटिंग सिर्फ अपने बाइक में आपको दिखाऊंगा, स्प्लेंडर प्लस में कैसे करनी है, पर ये आप जो टेक्निक है आप किसी भी बाइक में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सल मेथड है, ये मैं आपको विद प्रूफ भी मैं करके दिखाऊंगा। आपको जो इसमें करना गया है, कार्बोरेटर के साथ कुछ सेटिंग्स करनी है, उसके लिए आपको दो पेच लगेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से लगेंगी। अब दोस्तों आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप शैम्पू देखना चाहते हैं कि शैम्पू के साथ हम अपने बाइक को कैसे चमका सकते हैं 2 रुपए में, वो भी सिर्फ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में भी देख सकते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको माइलेज सेटिंग करने के लिए इस तरह के दो पेज चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक 4-हेडेड पेज है, आपको फोकस करके दिखाया था, और एक फ्लैट हेडेड है, आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह के आपको दो चाहिए। अब ज़्यादा टाइम ना आपका ज़ाया करते हुए हम माइलेज सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये माइलेज सेटिंग अपने हीरो के स्प्लेंडर प्लस में आपको करके दिखाऊंगा, पर ये जो मेथड है आप हर बाइक में यूज कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल मेथड है। तो करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्प्लेंडर प्लस के, यहाँ पर इसका एक कार्बोरेटर है, वो कार्बोरेटर कुछ इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पर ये कार्बोरेटर की सेटिंग करने से पहले हमें पहले इसे खोलना पड़ेगा, इसे मैंने पहले ही ढीला कर लिया है, अब आपको सिर्फ खोल के दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह खुल जाएगा जिससे हमें इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों जो भी मेरे भाइयों को नहीं पता ये कार्बोरेटर किस काम में आता है, ये कार्बोरेटर ऑयल और एयर का मिक्सचर करने के लिए होता है, तभी ये कार्बोरेटर काम आता है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये फ्लैट हेड स्क्रू उसमें लगाना है। फ्लैट हेड स्क्रू लगाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये होता है एयर स्क्रू, ये जो कार्बोरेटर के साथ थ्रू जाता है, जो इंजन में एयर मिक्स करने के लिए होता है, पेट्रोल और एयर में यही मिक्स करता है एयर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हमने, ये आपके पास ढीला होगा, ये इस तरह का, ये इस तरफ ढीला होगा, ये एंटी क्लॉक वाइज में, और ये क्लॉक वाइज ऐसे घुमाने पर यह टाइट होगा। हमने करना क्या है, इसको पहले पूरा टाइट कर लेना है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर ये जब पूरा टाइट हो जाता है तब ये इंजन में एयर की सर्कुलेशन बंद हो जाएगी, और इंजन जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, इग्निशन तो ऑन है, इसको बस स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं अब बाइक बंद होगी, आप जैसे कि देख रहे हैं इधर कि बाइक स्टार्ट तो कर रहा हूँ मैं, एयर नहीं पहुँच पा रही है इसलिए बंद हो रही है। हमने करना क्या है, एयर वाले को हल्का सा ढीला कर लेना है, अभी हमने फुल टाइट किया उसको, अब उसको हल्का सा ढीला कर लेना है जिससे थोड़ी थोड़ी एयर जाए और हमारा बाइक स्टार्ट हो। देख लेते हैं अब हो रहा है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्टार्ट है, आवाज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, अब इसको धीरे धीरे हमने लूज करना है, स्लो स्लो धीरे धीरे, बाइक की अब थोड़ी सी तेज होती जाएगी स्पीड, तो लगभग हल्का सा हमने कर लेना है अब ढीला। अब जैसे कि देख रहे हैं स्पीड बढ़ गई है बाइक की, रेस की स्पीड अब बढ़ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आवाज़ सुन लीजिए। अब आप जैसे कि देख रहे हैं ये यहाँ पे दूसरा स्क्रू है साथ में, ये दूसरा स्क्रू है, मैं आपको बता दूँ ये किस काम के लिए होता है, आप थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं इसको, आपको साथ में दूसरा स्क्रू दिख रहा है, ये होता है आरपीएम स्क्रू हम इसको कहते हैं। इसको अगर आप टाइट करेंगे तो आपकी बाइक की रेस बढ़ जाएगी, अगर इसकी सुन रहे हैं बाइक की आपकी रेस बढ़ गई, पर हमने इसको हल्का सा टाइट कर लेना है जिससे बाइक की रेस हल्की सी बढ़ी रहे और बाइक बार बार बंद ना हो। जब बाइक बंद नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी माइलेज बड़ी रहेगी, और ये हमने एयर का स्क्रू भी हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है, और ये रेस भी हल्की सी बढ़ा दी है। ये तो हुई दो टिप्स, ये दोनों करने से आप डेफिनेटली, मैं आपको कह रहा हूँ आपको, मैं आप चाहे लिख लो ये आपकी माइलेज बढ़ाएगा, अगर 30 है तो लगभग 38 की कर देगा, अगर 40 है तो 48 की कर देगा, 8 या 9 किलोमीटर का फर्क आपको आएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 या 9 किलोमीटर का। अब ये हमने इसके दूसरी साइड चले जाना है, कार्बोरेटर की दूसरी साइड, आइए दोस्तों। तो मेरे भाइयों जैसे कि आप देख रहे हैं हम कार्बोरेटर की दूसरी साइड आ गए हैं, यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिख रहा होगा, ये जो पेज किस लिए होता है भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज इसलिए होता है अगर बाइक आप जैसे चला रहे हैं
क्लच दबाने के बाद छोड़ दे तो काफी अगर झटके मारती है, तो ये पेज उसी में झटके को सही करने के लिए, ये कंपनी की तरफ से आपको पूरा टाइट मिलेगा। ये पेज एक्चुअली इसलिए होता है जो पाइप यहाँ पर लगी है, जिससे गंदा पेट्रोल जो भी है सारा इस पाइप के थ्रू निकल जाता है। ये निकलने के बाद आपकी बाइक गारंटीड झटके नहीं मारेगी, और ये आपको कंपनी की तरफ से काफी टाइट मिलेगा। इसको हमने ढीला करना है एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, जबकि देख अभी आप इस पाइप को देखिए यहाँ पर, वो वहाँ से मैं ढीला कर रहा हूँ, पहले पेज देख लीजिए, हल्का हल्का ढीला करूँगा तो पाइप में से गंदा पेट्रोल निकल जाएगा सारा। भाइयों देख लो, ये पहले काफी ज्यादा निकलेगा पेट्रोल, ये सारा ये अनयूजेबल पेट्रोल है, सारा उसमें इकट्ठा हो जाता है, इसको आपने ज्यादा नहीं निकालना है। इसको अब हम बंद कर देते हैं, आपने अच्छी से टाइट कर देना है भाइयों, अगर टाइट नहीं करेंगे तो आपका ये साफ पेट्रोल भी निकालता रहेगा। अच्छे से टाइट कर देना जैसे था, तो ये भाइयों अगर आप तीन ट्रिक्स आजमाएंगे तो गारंटेड आप जो प्रूफ के साथ लिख लीजिए कि सचिन भाई कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे भाइयों आपने अगर ये ट्रिक आप आजमाएंगे तो गारंटेड आपकी माइलेज बढ़ेगी, तो ये तीन ट्रिक्स आपने जरूर आजमानी। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा ये ट्रिक कितनी आसान थी, ऐसी ट्रिक आपको किसी भी चैनल पर और नहीं मिलेगी। इस ट्रिक में मैंने जैसे कि आपको तीन तरीके बताया कार्बोरेटर के माइलेज सेटिंग करने के लिए, इसमें अगर आप ये सेटिंग्स कर लेंगे तो आपकी जो माइलेज है पक्का बढ़ जाएगी, अगर 30 की है तो 40 की हो जाएगी, 40 से 48 या 39 तक 8 या 9 किलोमीटर का फर्क इसमें आता है, बढ़ जाएगी आपकी। ये यूनिवर्सल मेथड है, पल्सर अपाचे जैसे ही कोई भी बाइक, पैशन एक्सप्रो, स्प्लेंडर, आप शाइन वगैरह कोई भी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसी वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। और दोस्तों अगर आप शैम्पू से बाइक कैसे चमकाते वो वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऊपर कार्ड्स में भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के ऑप्शन को दबा लेना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।